नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। पिछले कुछ वक्त से देश में धर्म पर आधारित सियासत जोर पकड़ती जा रही है। अपने अपने धर्म की दुहाई देने वाले कुछ ठेकेदार अपने बयानों से विवादों को जन्म दे रहे हैं। कभी अयोध्या के नाम पर, कभी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, तो कभी वंदे मातरम के नाम पर। एक वर्ग देशभक्ति के नाम पर सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहा है, तो एक वर्ग ऐसा है जो धर्म की आड़ लेकर देशभक्ति के तरानों को गाना हराम मानता है। जश्न आजादी के मौके पर वंदे मातरम गाने वाली अभिनेत्री हिना खान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि वंदे मातरम गाना इस्लाम में हराम। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान और सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता, तो पुलिस थानों में जन्माष्टमी पर्व मनाने से रोकने का अधिकार भी किसी को नहीं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह कैसी व्यवस्था है जहां अल्लाह और भगवान की ठेकेदारी का जिम्मा कुछ चेहरों ने उठा रखा है। क्या संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को धर्म और जाति आधारित बयान देना शोभा देता है? जिस परस्पर सौहार्द भाईचारे की बात हर ग्रंथों में की गई है, क्या ऐसे बयानों से वो सौहार्द समाज में आ पाएगा? और क्या ऐसे धर्म के ठेकेदारों पर शिकंजा कसने का वक्त नहीं आ गया जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? लोकतंत्र में आज चर्चा इसी मुद्दे पर। पिछले काफी वक्त से देश में धर्म आधारित बहस जोर पकड़ती जा रही है और अलग अलग धर्म के अलग अलग ठेकेदार धर्म की दुहाई देते हुए एक नए विवाद को जन्म देते रहते हैं। हालांकि इस मामले में देश के राजनेता भी अपनी भूमिका शिद्दत से निभाते नजर आ रहे हैं, यानी धर्म के नाम पर जमकर सियासत की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द की बातें तो खूब बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, ये तस्वीर आखिर क्या कुछ कहती है? ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान सामने आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर ईद के मौके पर सड़क पर नमाज पढ़ी जा सकती है, तो फिर पुलिस थानों में जन्माष्टमी पर्व को मनाने से कैसे रोका जा सकता है। हालांकि अपने बयान के दौरान पुरानी अखिलेश सरकार पर निशाना भी साधा योगी आदित्यनाथ ने और ये कहा कि यदुवंशी होने के बावजूद पुलिस थानों में जन्माष्टमी पर्व पर रोक लगाई गई थी। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर धर्म को लेकर कौन लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है? धर्म आधारित जो राजनीति है वो लगातार अब जोर पकड़ती जा रही है। अलग अलग धर्म के अलग अलग ठेकेदार धर्म की दुहाई देते हुए एक नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब देश के राजनेता भी अपनी भूमिका शिद्दत से निभाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर अब सियासत भी काफी गर्म हो चुकी है। अयोध्या मामले में शुरू हुई धर्म आधारित बयानबाजी कई पड़ावों को पार करते हुए वंदे मातरम तक जा पहुंची। एक वर्ग इसे देशभक्ति का सबूत मानता है, तो दूसरा अपने धर्म के खिलाफ। लेकिन क्या वंदे मातरम गुनगुनाना देशभक्ति का एकलौता सबूत है, या फिर मातृभूमि का गुणगान करना कैसे धर्म को आहत कर सकता है? क्या धर्म इतना कमजोर है? ऐसे कई सवाल हैं, इस बहस के बीच अनसुलझे रह जाते हैं। टीवी एक्ट्रेस हिना खान के खिलाफ जारी किया गया फतवा भी इसी पड़ाव का एक हिस्सा है। देवबंदी उलेमाओं की तरफ से हिना खान के खिलाफ फतवा जारी किया गया। दलील ये कि इस्लाम में वंदे मातरम गाना हराम है। दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ऐसा बयान दिया जिसका संदर्भ और जिसकी जरूरत समझने की कोशिश एक बड़ा वर्ग कर रहा है। लखनऊ में आरएसएस के केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, तो पुलिस थानों में जन्माष्टमी के पर्व को मनाने से कैसे रोका जा सकता है? अगर मैं सड़क पर ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता, तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्व को रोकूं। कोई अधिकार नहीं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कांवड़ यात्रा में ढोल नगाड़े, चिमटे और डमरू नहीं बजेंगे, लोग नाचेंगे गाएंगे नहीं, तो फिर वो कांवड़ यात्रा कैसे हुई? योगी ने कहा कि अगर यात्रा के दौरान लाउडस्पीकर नहीं बजेगा, तो फिर
वो कांवड़ यात्रा नहीं बल्कि शव यात्रा होगी। मैंने प्रशासन से कहा, सभी प्रदेशों के जो अधिकारी आए थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे सामने आदेश पारित करिए कि माइक हर जगह पे प्रतिबंधित होने चाहिए, हर जगह बैन करो। आगे तय करिए कि किसी भी धर्मस्थल में उसकी प्रमिसेस के बाहर उसकी आवाज आनी ही नहीं चाहिए। क्या इसको लागू कर पाएंगे? अगर लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको भी हम लागू नहीं होने देंगे। ये अनुरोध चलेगा, यात्रा चलेगी। जैसे ही ये बयान सामने आया, वैसे ही राजनीतिक हलकों समेत धार्मिक लोग भी इस बयान के कई मतलब निकालने लगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जब कोई ऑफिस होल्ड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, संवैधानिक पद, ऐसे पद पर बैठने वाला आदमी जब उस पद की कोई कार्यभार निष्पादित करता है, तब उसको अपने आप को न हिंदू समझना चाहिए न मुसलमान। ये भारत का संविधान का कंसेप्ट है सेकुलर, कि आप जो है बिल्कुल न्यूट्रल हैं। सवाल ये है कि यदि मौलवी साहब को धर्म के मार्ग पर चलने का इतना ही शौक है तो उन्हें उन मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए जो आज भी बहुतायत में गरीबी रेखा के नीचे रहकर संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही क्या संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को धर्म और जाति आधारित बयान देना शोभा देता है? जिस परस्पर सौहार्द भाईचारे की बात हर ग्रंथ में की गई है, क्या ऐसे बयानों से वो सौहार्द समाज में आ सकता है? अनंत्या की ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ तो पिछले कुछ वक्त से देश में धर्म पर आधारित सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। अपने अपने धर्म की दुहाई देने वाले कुछ ठेकेदार अपने बयानों से विवादों को जन्म दे रहे हैं। कभी अयोध्या के नाम पर, तो कभी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, तो कभी वंदे मातरम के नाम पर। एक वर्ग देशभक्ति के नाम पर जहां सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहा है, तो वहीं एक धर्म ऐसा है जो अपने धर्म की आड़ लेकर देशभक्ति के तरानों को गाना भी हराम मानता है। नौबत यह आ जाती है कि जश्न आजादी के मौके पर वंदे मातरम गाने वाली अभिनेत्री हिना खान के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि वंदे मातरम गाना इस्लाम में हराम है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनका एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता तो फिर पुलिस थानों में जन्माष्टमी पर्व को मनाने से रोकने का अधिकार भी किसी के पास नहीं है। अब सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर ये व्यवस्था कैसी है जहाँ पर अल्लाह और भगवान की ठेकेदारी का जिम्मा कुछ चेहरों ने उठा रहा है। क्या ये चेहरे समाज को बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से दो खास मेहमान हैं। राजकुमार भाटी जी हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं, आप सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के। साथ ही लखनऊ से दो खास मेहमान हैं, मौलाना सैफ अब्बास हैं, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं। साथ ही हिंदू पक्षकार हरिशंकर जैन जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद होंगे जो हिंदू धर्मगुरु हैं। फिलहाल बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत राजकुमार भाटी मैं आपसे ही करता हूँ, धर्म के नाम पर सियासत क्यों? देखिए, दो बिंदु आपने उठाए हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ का बयान जो उन्होंने दिया कि मैं अगर सड़कों पर नमाज नहीं रोक सकता तो कांवड़ यात्रा में मैं माइक भी नहीं रोक सकता। इस बयान की जरूरत क्या थी, इसका संदर्भ क्या था, इसका प्रसंग क्या था? क्या अभी कोई कांवड़ यात्रा आने वाली है, क्या कोई जन्माष्टमी आने वाली है, या कहीं नमाज पढ़ी जाने वाली है? ये योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल षड्यंत्रपूर्ण तरीके से इस साजिश के तहत बयान दिया कि गोरखपुर में जो 63 बच्चों का नरसंहार हुआ है और पूरे देश की नज़र उस नरसंहार पर है और उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में है, चारों तरफ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मीडिया पर रोज चर्चा गोरखपुर की हो रही है, उस गोरखपुर की घटना से ध्यान भटकाने के लिए जान पूछकर अपनी सुविधाभोगी राजनीति के तहत हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछाल दो। और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती रही है, जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्म का मुद्दा ही आगे करते रहे हैं। इनकी तरफ से 10-20-50 आदमी मर जाएं, 1,000-2,000 मर जाएं, कहीं आग लग जाए, कहीं हिंदू मुसलमान में दंगे हो जाएं, आपस में मतभेद हो जाएं, देश का विभाजन हो जाए, इनकी बला से इन्हें कोई चिंता नहीं है। इन्हें चिंता केवल अपनी वोट की और अपनी कुर्सी की है। मैं बहुत ज्यादा निंदा करता हूं, बहुत घोर शब्दों में, योगी आदित्यनाथ के इस बयान की। एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए।
और फिर इनसे पूछना चाहते हैं कि किसने आपसे कहा कि आप कांवड़ यात्रा में माइक रोकिए या आप नमाज रोकिए सड़कों पर। ये बहुत ही विद्वेषपूर्ण और बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत ध्यान भटकाने के लिए दिया गया। ठीक है मौलाना सैफ अब्बास, जहां तक दूसरा समय एक टिप्पणी उस पर भी कर दूं जी, हिना खान का मैटर है। हिना खान ने अगर वंदे मातरम देखी, वंदे मातरम से पढ़ने से कोई इस्लाम से खारिज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये धर्मगुरुओं का मसला है। धर्मगुरु अपने धर्म की व्याख्या करेंगे, हमारे हिंदू धर्म की व्याख्या हमारे हिंदू धर्म के गुरु करेंगे। लेकिन मेरे जैसे आदमी भी हैं धर्म गुरुओं की जो परवाह नहीं करते। मैं हिंदू धर्म गुरुओं की कतई परवाह नहीं करता। मैं वो करता हूं जो जनहित में है, जो देश हित में है करते हैं और जो न्याय हित में है। राजकुमार भाटी मुस्लिम धर्म गुरुओं की तो करते हैं ना। नहीं मैं क्यों करूं, मैं मुसलमान तो हूं नहीं। मैं उन पर टिप्पणी करने का भी मुझे अधिकार नहीं है, उनकी निंदा करने का अधिकार भी मुझे नहीं है। उनकी अगर आलोचना करें तो मुसलमान ही करें। लेकिन हिना खान ने अगर इतनी हिम्मत किया कि उन्होंने वंदे मातरम गाया मुस्लिम धर्म गुरुओं के कहने के खिलाफ, क्योंकि मुस्लिम इस्लाम धर्म इस आधार वाक्य पर टिका हुआ है कि उस अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है जिसके सामने सिर झुकाया जाए, जिसकी वंदना की जाए। इस बात की जानकारी आपको है जी? लेकिन आप टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि आप मुस्लिम धर्म गुरुओं के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हिना खान इसके बावजूद, लेकिन आप हिंदू धर्म गुरुओं के खिलाफ कह देंगे। अगर इसके बावजूद हिना खान वंदे मातरम गाने की हिम्मत रखती है तो उन्हें इस्लाम के बिना जीने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। मेरे जीने के लिए हिंदू धर्म जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है मौलाना साहब अब्बास, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संविधान इसका अधिकार देता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री के इस बयान को आप किस नजरिए के साथ देख रहे हैं, और दूसरा ये कि जो राजकुमार भाटी भी कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये मान रहे हैं आप? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो 14 अगस्त को हो गई जी, कांवड़ यात्रा वो भी खत्म हो चुकी है, ईद एक महीने पहले डेढ़ महीने पहले हो गई है। अब ऐसा बयान देना ये थोड़ा सा जहन में खलबली मचाता है कि इस वक्त इसका कोई तर्क नहीं था ऐसा बयान देने का कि जब हम अच्छा किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, मुसलमानों ने नहीं कहा कि कांवड़ यात्रा में डेक क्यों बज रहा है, पिछले हुकूमत में तो बंद था, कोई आपत्ति नहीं थी, कुछ नहीं था। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक बयान है, और जब ऐसी संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं तो फिर अब ऐसी बात नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी मजहब के ऊपर और किसी वर्ग विशेष के ऊपर कोई हमला हो। मैं कहता हूं ये बहुत अफसोसनाक बयान है, और जो भाटी साहब ने कहा है बिल्कुल वो सही कहा है कि इस वक्त जो हमारे प्रदेश के अंदर और जो हमारे देश के अंदर पहाड़ और जो गोरखपुर की घटना है या जो अभी एक और हुआ है पहाड़ गिर गया था उसमें 50 आदमी मर गए, ये सब प्रॉब्लम चल रही है, हमें इसकी तरफ मिल बैठ के सोचना चाहिए, हमें इसको देखना चाहिए, ना कि हम मजहब की राजनीति करें। और दूसरी बात जो आपने कही है हिना वाली जी, अगर कोई करता है, देखिए मैं सीधी बात कह रहा हूं कि मैं धर्म से रिलेटेड जानकारी रखता हूं, अगर कोई वंदे मातरम कहता है, देखिए इस्लाम मजहब है उसके अंदर एक आस्था सबसे इम्पोर्टेंट है। हम आपके चैनल पे बैठ के वंदे मातरम भी कह सकते हैं, जय श्री राम भी कह सकते हैं, कहने से हमारा धर्म नहीं जाएगा। तो सर ये फतवा किस लिए है? हमारे कोई सवाल इसीलिए है ना सर, ये फतवा क्यों? देखिए ये फतवा सिर्फ इसलिए होता है कि जब हमारे योगी साहब जैसे लोग बयान देने लगते हैं, जिस तरीके से एक कट्टरपंथी ग्रोह उधर भी है तो एक कट्टरपंथी इधर भी है, और जब तक इसको खत्म नहीं किया जाएगा न देश की तरक्की हो सकती है, न देश आगे बढ़ सकता है, और न्यू इंडिया का सपना जो है वो 2022 का 2042 तक पूरा नहीं हो पाएगा। मौलाना साहब आपने न्यू इंडिया का जिक्र किया और कहा कि कुछ कट्टरपंथी लोग हैं दोनों वर्गों में, आपने इस बात का जिक्र किया कि इन पर लगाम कसने की जरूरत है, कौन कसेगा लगाम और किसे कसना चाहिए? देखिए इसमें जो है इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं अगर ये अपने को कंट्रोल में कर लें, अगर ये सारी चीजें कंट्रोल में कर लें, तो जब संवैधानिक कुर्सी पर से कोई ऐसी आवाज नहीं जाएगी तो जो संवैधानिक कुर्सी पे नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करने का इनका दत्व बनेगा। कार्रवाई ये कर सकते हैं कि भाई आपने ये गलत कहा, आपने भावनाओं को भड़काया, लेकिन जो संवैधानिक कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो इस तरीके से जिम्मेदार लोग हैं, जब वो इस तरीके की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ ये किस तरीके से दूसरे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर विवाद नहीं होगा, ये होगा कि आज एक मौलाना सैफ अब्बास फिर विवाद नहीं होगा, जब तीन तलाक की बात होती है तब शरिया की आड़ ले ली जाती है, तब कहा जाता है कि इस्लाम पर खतरा,
तब ये बातें आ जाती हैं। मुस्लिम नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, देखिए तीन तलाक नहीं, मैंने क्या कहा, जब एक चीज बगैर किसी धर्म की आड़ लेके की जाएगी जी। मुस्लिम महिलाएं किस धर्म से हैं? ये मुसलमानी तो है, मुसलमानी है ना मुस्लिम महिलाएं, ये कोई गैर मुस्लिम तो है नहीं। जब वो खुद तीन तलाक की बात कर रही हैं, तो बैठना पड़ेगा मुसलमानों को भी आके, मुसलमानों को बैठना पड़ेगा इसके ऊपर, मुसलमानों को बात करना पड़ेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ मुस्लिम तीन तलाक को एक इश्यू बना के खड़े हो जाएंगे, उसमें राजनीति करने लगेंगे, तो भी राजनीति शुरू हो जाएगी। मैं कहता हूँ मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक के मैटर को लेके आ रही है, गवर्नमेंट इसको अभी जो 15 अगस्त का भाषण है उसमें कहा भाई मुस्लिम महिलाएं लेके आई, ठीक है, हुकूमत के पास गई, हुकूमत अपना काम कर रही, हुकूमत अपना काम करेगी। लेकिन इसको अगर इश्यू बना के एक धर्म विशेष की बात की जाएगी तो भी वहां पे सियासत होगी। बिल्कुल सर, इसीलिए 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 हम आज इस बहस को लेकर आए हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जुड़ गए हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को यह बयान शोभा देता है जो उन्होंने दिया कि अगर ईद के मौके पर नमाज सड़क पर पढ़ी जा सकती है तो पुलिस थानों में जन्माष्टमी को भी नहीं रोका जा सकता? आचार्य जी देखिए, ये देश ना भावनाओं का देश है, आस्था का देश है, विश्वास का देश है। आस्था रखना और धार्मिक अपने त्योहारों को, पर्व को उल्लास के साथ मनाना, ये हमारा अधिकार भी है और हमारा धर्म भी और हमारी परंपराएं भी ये कहती हैं। लेकिन जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उनके पीछे एक खास मकसद है। वो खास मकसद ये है कि जो बुनियादी सोच है वो सोच ये है कि किसी भी तरह हिंदुओं को ये मैसेज दिया जाए कि हम तो आपके समर्थक हैं, वी आर ओनली पार्टी जो आपके पक्ष में है, और बाकी सारे राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आपके खिलाफ हैं। जैसे उन्होंने कहा कि साहब जन्माष्टमी थाने में पुलिस लाइन में मनानी चाहिए, तो वो ये जानकर के कहा गया है उनका, वो कतई भी किसी भी थाने में, किसी भी पुलिस लाइन में, किसी भी कचहरी में, अदालत में जन्माष्टमी का त्योहार मनाना संभव होगा या नहीं होगा ये वो भी जानते हैं जी। मगर उनका कहना इस बात को लेकर के एक पॉलिटिकल निशाना साधना है, और वो निशाना ये है कि सारे राजनीतिक दल, सारे लोग ये कहेंगे कि साहब ये योगी जी ने बड़ा गलत ये कहा, थाने में कैसे जन्माष्टमी मन सकती है, और वो पूरी की पूरी पार्टी, उनके सारे प्रवक्ता ये कहेंगे देखिए ये सब हिंदू धर्म के खिलाफ हैं और ये सब हिंदू विरोधी हैं, ये भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी नहीं मनाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से जी। मैं ये मांग करता हूं एपीएन चैनल के इस प्लेटफॉर्म से कि जन्माष्टमी ही क्यों मनाई जाए थाने में, रामलीला कराओ, महाशिवरात्रि मनाओ, बुद्ध पूर्णिमा मनाओ, वाल्मीकि जयंती मनाओ, सारे त्योहार थाने कचहरी में मनने चाहिए, मनाओ, कौन रोकता है? आप सरकार में हैं, आपके पास पूरा बहुमत है, इस प्रदेश को जैसे मर्जी चलाओ, देश को जैसे मर्जी चलाओ, मनाओ ना, किसने रोका है? लेकिन सवाल इस बात का है कि वो मनाना नहीं चाहते हैं, वो इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, बस ये उनकी नीयत में खोट है और ये खोट बुनियादी रूप से है। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ यही तर्क रखे जा रहे हैं कि अगर बाकी के त्योहार हैं वो भी पुलिस थानों में मनाए जाए, पुलिस कचहरियों में मनाए जाए, बिल्कुल शौक से मनाओ, जो आचार्य हम स्वागत करेंगे, ठीक है, 10 दिन की रामलीला भी थाने में होनी चाहिए, भगवान कृष्ण की रासलीला भी थाने में होनी चाहिए, महाशिवरात्रि मननी चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा मननी चाहिए, गुरु पर्व मनना चाहिए, सब मनना चाहिए, ठीक है, खूब मनाओ। मुफ्ती साहब, जो संवैधानिक पद को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह के बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए, ये बयान सामने आता है, आप क्या आपको लगता है कि प्रतिबंध होना चाहिए इस तरह में, चाहे वो सड़क पर नमाज हो, चाहे पुलिस थानों में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, इन सब पर प्रतिबंध होना चाहिए? देखिए, स्वामी जी ने बिल्कुल बुनियादी बात कह दी। मैं समझता हूँ कि वो तमाम बातों का, तमाम बहसों का बिल्कुल खुलासा इन्होंने कह दिया कि आखिर इन लोगों के मकसद क्या है।
असल हम ये देख रहे हैं कि पिछले 60 सालों में जिस तरह से कुछ पार्टियों ने एक सेकुलरिज्म का पुरफरेब नारा देकर के मुसलमानों को इसका एक्सप्लाइट किया, इस्तेहसाल किया, पिछले 3 सालों से ये नेशनलिज्म का नारा ऐसा नारा आ गया, ऐसे लोग नेशनलिज्म का नारा लगा करके मुसलमानों को एक टॉर्चर कर रहे हैं जो लोग खुद जानते ही नहीं कि नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रीयता का है, जिनकी पूरी हिस्ट्री जो है उठा करके देख लीजिए तो नेशनलिज्म के खिलाफ रही है। ये वो आरएसएस विचार के लोग हैं जिसका आप की तारीख देख लीजिए, 1948 का ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल उठा के देख लीजिए जिसमें तिरंगा को मानने से इन लोगों ने इनकार कर दिया था। कल 15 अगस्त में जबकि पूरी दुनिया, 2 दिन पहले पूरी दुनिया जश्न आजादी मना रही थी, बहुत सारी जगहों पर आप बजरंगियों को देखेंगे कि वो भगवा झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा खुद बनारस में की ऐसी तस्वीरें आई है जो भगवा झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये लोग तो वो लोग हैं जो जानते भी नहीं कि नेशनलिटी क्या चीज है, नेशनलिज्म क्या चीज है, राष्ट्रीयता क्या चीज है, और वो लोग मुसलमानों से इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। ये खूब अच्छी तरह जानते हैं कि मदारिस में जो भी मदरसे हैं हर जगह बजाबते झंडे लहराए जाते हैं और खूब जोशो खरोश के साथ जश्न मनाया जाता है। हम लोग हफ्तों बच्चों की तैयारियां करते हैं। ये फिर कौन लोग हैं जो फतवा जारी कर देते हैं? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। सरकार भी अच्छी तरह जानती है लेकिन, और ऐसा हमेशा से होते आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद बाजाबता स्टेटमेंट देना इसका क्या मतलब होता है भाई? उसको बाजाबता इशू बना करके मीडिया वाले को डायरेक्शन देना कि तुम इस पर डिबेट करो, क्या मतलब होता है इसका? डायरेक्टली वही मतलब होता है जो स्वामी जी कह रहे हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस पर सवाल मत खड़े कीजिए। जो जो मुद्दे होते हैं जन सरोकारों से जुड़े हुए, नहीं वो आपके ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहे, आपके कहने से नहीं, आपके ऊपर सवाल नहीं, किसी दूसरे के कहने से नहीं, आपके ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहे, लेकिन बाजाबता ऐसा इशू बनाया जाता है मुद्दों से जनता पर, आम लोगों पर प्रभाव पड़ता है, हम उन मुद्दों पर बहस करते हैं ताकि उस पर निष्कर्ष नहीं, यकीनन ये मुद्दा जैसे अभी है कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए ऐसा बयान कैसे दे दिया, जाहिर है कि जो आपने सवाल उठाया यकीनन ये एक मुद्दा है, और ये मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से बाज़ाब्ता प्लानिंग भी होती है कि कौन से टॉपिक को। सर, ये समाज के कुछ ठेकेदार कौन है? वो वर्ग कोई भी हो, नहीं हम इस बात का, हम देखना, हम इसी बात का सवाल उठा रहे हैं कि ये कौन है कथित धर्म के ठेकेदार जो धर्म की आड़ लेकर इस तरह की सियासत करते हैं। देखिए हरिशंकर जैन जी, मैं आऊंगा, नहीं प्लीज हमारी बात जरा सा कंप्लीट होने दीजिए। जो फतवा से रिलेटेड आपने बात की, ये बात तो सब लोगों ने खंडन कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होने के बावजूद जो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जहां तक ये फतवा का ताल्लुक है वंदे मातरम का आप भी जानते हैं कि उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है, उसको नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गीत कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर लिखा हुआ? सर, संविधान नहीं पढ़ा, राष्ट्रगीत का दर्जा नहीं दिया गया, राष्ट्रगीत का संविधान में कोई दर्जा नहीं है, उसको दर्जा नहीं है। उसको बनाने की कोशिश की, राष्ट्रीय गान सब कुछ है, राष्ट्रीय गान का एहतराम होना चाहिए, राष्ट्रीय गान सब कुछ है, वो हर आदमी को गाना चाहिए, और आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों का इत्तेफाक रहा इस पर, वो राष्ट्रीय गान खूब शौक से गाते रहे राष्ट्रीय गीत। अभी सुप्रीम कोर्ट का परसों भी ऑब्जर्वेशन आया है कि 51A के तहत जो राष्ट्रीय गीत को लाने की कोशिश की जा रही है उसकी संविधान में कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पहले यहां तक कि राष्ट्रीय गान के बारे में इसका केरला हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है कि कोई आदमी अगर उसका रिस्पेक्ट करता है और अगर नहीं गाता है तो फिर भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं, गाते हैं सब लोग, सब जानते हैं कि वंदे मातरम से मुसलमानों को परेशानी है। आज की ये नई बात नहीं है, ये पुरानी बात, ये 1937 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस जमाने में नेहरू ने कहा था कि जिन जिन बिंदुओं पर या जिन जिन नई बात नहीं है, ये आज फतवा इस्लाम में शामिल नहीं है। हरिशंकर जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा जी। हरिशंकर जी, सबसे पहले तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह का बयान देता है तो उसकी निंदा हर तरफ हो रही है, क्या इस तरह का बयान देना चाहिए? और दूसरा सवाल जो सबसे है कि क्या ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और एक खास वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास है? देखिए, मैं माननीय योगी जी के बयान का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। उन्होंने जो कहा है समसामयिक है, और ये जो यहाँ पर जिस तरह से माइनॉरिटीज का उद्भव हो रहा है और पूरे प्रदेश में और देश में माइनॉरिटीज खतरा बनती जा रही हैं, उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। सर, और हिंदुओं को भी आते हैं करना है। हरिशंकर जैन जी, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम से होता है क्या? आपके समझ आते होंगे, परंतु संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू में जैन बौद्ध सिख सब शामिल है, कोई माइनॉरिटी का मतलब लोग नहीं जानते हैं। माइनॉरिटी आर्टिकल 30 में कहा गया है, और उसमें कोई धर्म का नाम नहीं है, केवल इस बात का नाम है कोई भी अपनी विरासत को अक्षुण्ण रख सकता है, अपने मन की शिक्षा दे सकता है, वो अलग विषय है। सारा लाभ लेते हैं, सारा माइनॉरिटी का लाभ तो आप भी उठा करके ले जाते हैं, अपने आप को माइनॉरिटी से अलग कीजिए। मैंने आप गलत कह रहे हैं, हमने कोई लाभ नहीं लिया है,
आज तक नहीं लिया है। दूसरी बात बता दो, मुद्दे से भटकाइए नहीं। जेएनयू की संस्था जिनको माइनॉरिटी का लाभ मिलता है, आप कल से घोषणा कर दीजिए जेएनयू जो है माइनॉरिटी में नहीं आते, नहीं किसी जेएनयू की संस्था को माइनॉरिटी का लाभ न दिया। ठीक है भाटी साहब, आप घोषणा करिए चैनल पे, मुद्दे से भटकाइए। आप मुद्दे भटकाने जाते हैं, मुझे बात नहीं करनी। सर हम भटकने नहीं देंगे, कोगली बात ना भाटी साहब को ना आपको, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये लोग बोले, मैं कुछ नहीं बोला। ऐसा है कि हमेशा कांवड़ यात्रा पर आक्षेप होता है, उसको योगी जी ने कहा, सही कहा। दूसरी बात, शुक्रवार के दिन सड़कों पर सड़क घेर कर नमाज पढ़ी जाती है। मैं आपको बतला दूं कितनी ऐसी चौराहे हैं, जगह हैं जहां नमाज ही पढ़ी गई। धीरे धीरे वहां पर बीच रास्ते में मस्जिद बन गई और कब्जा कर लिया गया। तो उन्होंने योगी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। और देश में या प्रदेश में अगर समरसता रहनी है तो सभी को अपने कंट्रोल में रहना है। और संवैधानिक पद पर आने का यह मतलब नहीं है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन न करे। ठीक है, कर्तव्य में सबका साथ सबका विकास, सिर्फ मुंह से बोलने की जरूरत भी जो पड़ रही है उसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए। ठीक है जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सुन लीजिए, जस्ट अ मिनट। ये जो कहा है कुछ सही कहा है। और जो प्रमोद कृष्णन जी कह रहे थे वो वास्तव में वो कांग्रेस के आदमी है, कांग्रेस के ट्यूटर है। उनका बयान जो है हिंदुओं के खिलाफ है। और तीसरी बात आपको बता दूं, जन्माष्टमी सदियों से थाने में मनाई जाती थी, पर अखिलेश गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया था। और वही वो लोग जब इन लोगों का वो होता है मुसलमानों का अफ्तार, तो अफ्तार कराने जाते थे। ठीक है जैन साहब, आपकी बात समझ आ गई। अनिल सिंह जी, ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। केवल एक मिनट, ओनली वन मिनट रिक्वेस्ट लीजिए। अखिलेश गवर्नमेंट में जो आतंकवादी मुसलमान थे उनको छोड़ दिया गया, केवल इसलिए वो मुसलमान थे। इस चीज का अंत होना चाहिए। सर जहां तक मुझे जानकारी, आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं, तो कानून का सहारा आप ले भी सकते हैं। खैर अनिल सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या योगी जी हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी धर्म और जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है। मुफ्ती सवाल बड़ा अटपटा है आपका जी। तो क्यों वो हिंदू वहीं की बातें करते हैं? नहीं, वो पूरे प्रदेश की बात करते हैं। उन्होंने कोई नहीं, क्या किसने गलत बात थाने में कृष्ण अष्टमी मनाने से किसने ऑब्जेक्शन किया था कि वो बाजाबता जाकर के माइक से ऐलान कर रहे हैं कि हम मनाएंगे कृष्ण अष्टमी मनाएंगे। आप, नहीं, वो आपको तो पता, आप रामलीला भी मनाए, सारी दुनिया के त्यौहार थाने में करे, किसने रोक दिया उसका? वो पॉलिटिकल बहुत देर से बोल रहे थे, मैं थोड़ी देर से जुड़ पाई क्योंकि जैम बहुत था, भागते दौड़ते आ रही हूँ। आप ही को सुनेंगे? नहीं बिल्कुल सुनिए। ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं किसी धर्म या जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, मुझे समझ में नहीं आता इतना बड़ा जो मुद्दा बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला कि नहीं, ठीक है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप नमाज मत पढ़िए या आप गुरुद्वारे मत जाइए या आप चर्च मत जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं। और आपको भी पता होगा अन जी, आपको भी पता होगा कि पुलिस महकमे में जो जन्माष्टमी है, क्योंकि मैं खुद एक पुलिस अधिकारी की बेटी हूं और बचपन से देखती आई थी, पुलिस महकमे में जन्माष्टमी बहुत जोर शोर से मनाई जाती है, बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। हो सकता है कि किन्हीं कारणों की वजह से बीच में रुक गई हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री ने अगर ये कहा कि भाई सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, हिंदू भी हैं अगर वो जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं, तैनात है पुलिस का सिपाही वहां पे, उसके बच्चे हो सकता है मथुरा में हो सकता है ललितपुर में हो, सब मिलकर अगर त्योहार मनाना चाहते हैं तो मनाना चाहिए, कोई बुराई नहीं। उसका इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? मौलाना साहब को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? उन्होंने मना किया क्या? जन्माष्टमी हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन और पुलिस थाने में अंतर नहीं है। मुफ्ती साहब मैं आपके पास आऊंगा सर। बिल्कुल मुफ्ती साहब, अनिल सिंह जी इस बात का जवाब दीजिए, पुलिस लाइन और पुलिस थानों में अंतर नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा है कि जो सिपाही थाने में तैनात है वो पूजा कहाँ करेगा? क्या अपनी ड्यूटी छोड़ के पुलिस लाइन में चला जाए? पुलिस लाइन से अगर वो 40 किलोमीटर की दूरी पे है, ड्यूटी छोड़ दे, थाना छोड़ दे, अगर उसे पूजा पाठ करना है, रामलला का जो जब जन्म होता है वो त्योहार मनाना है, तो क्या करे वो? तो पुलिस थाने, रामलला माफ करिएगा, रामलला मैंने बोल दिया, भगवान श्री कृष्ण, तो कहाँ जाएगा?
तो ये अगर त्योहार मनाने की बात हो रही, मैं तो कहती हूँ कि ईद भी खुशी से मनाओ, थाने में मनाना है बिल्कुल मनाओ, आपको जो मनाना है, क्रिसमस मनाना है वो मनाओ, नमाज की व्यवस्था कराएंगी नहीं, अगर कोई नमाज पढ़ना चाह रहा है तो क्या आप रोक लेंगे? आप कितना जानते हैं, अगर कोई मुस्लिम भाई मेरा सिपाही है, थानेदार है, अगर उसको नमाज पढ़नी होती है तो कहां जाता है? अगर उसको मंजूरी सरकार देगी, पर गलत मंजूरी देगी, गलत बात है। आप जो है बातों को मोड़ तरोड़ के यहाँ पे रखेंगे और सांप्रदायिकता बढ़ाएंगे ऐसी बातें कर कर, ये यहाँ पे राजनीति जो है धर्म और जाति के आधार पे पहले की पार्टियों ने की है, किसी एक के साथ ज्यादा खड़ी हो गई, किसी एक के साथ कम खड़ी हो गई, किसी दूसरे के साथ थोड़ी और ज्यादा खड़ी हो गई, अब ये नहीं चलने वाला है। आप जो है हर त्योहार जिसका जो धर्म है अच्छे से मनाओ, प्यार प्रेम से मनाओ, आप ऑफिस में हो ऑफिस में मनाओ, थाने में हो थाने में मनाओ, पर ये है योगी जी परमिशन देने जा रहे हैं नमाज की, आप पुलिस थाने में बैठकर नमाज पढ़िए, नहीं तो पढ़िए ना, कौन मना कर रहा है? उन्होंने मना किया क्या? पर जिन लोगों ने ये थानों में ये कह दिया था जन्माष्टमी का त्योहार नहीं मना सकते हो, अरे पूछो तो उनसे पूछो भाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या ये याद दिलाने की जरूरत थी मुख्यमंत्री को, जो सवाल सभी उठा रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है, वो याद दिला रहे हैं कि अगर ईद के मौके पर नमाज सड़क पर पढ़ी जा सकती है तो जन्माष्टमी को भी रोकने का अधिकार नहीं है? सवाल पूर्व की अखिलेश सरकार पर उठाया। देखिए, मैं दो तीन बातें हो गई और बड़ी इंटरेस्टिंग बहस आप करा रहे हैं। एक बात है कि कौन कौन सा धर्म मनाना चाहता है, पर्व मनाना चाहता है, किस धर्म से ताल्लुक रखता है। इस धर्म भारत के अंदर सभी धर्मों के मानने वालों को अपना अपना त्यौहार मनाने का अधिकार आज से नहीं है, पहले से ही है। जो अनिला जी कह रही हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, थानों में जन्माष्टमी पहले भी मनती थी, ठीक है, होली भी मनती थी पुलिस की, लेकिन ये जो बहस हो रही है ये मुद्दा वो नहीं है। ये मुद्दा ये है जो जैन साहब ये कह रहे थे, एक तो मैं जैन साहब से बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा, इन्होंने दो बातें मुझ पे कही कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। मैं कहना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ संत हैं या बीजेपी के नेता हैं? तो आपका जवाब होगा कि योगी जी संत भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। तो क्या संतों को, महात्माओं को, ऋषि मुनियों को जरूरी है कि वो एक ही पार्टी में रहें? किसी की विचारधारा किसी से जुड़ी है, किसी की विचारधारा किसी से जुड़ी है। मैं योगी जी को बीजेपी का नेता भी मानता हूं और एक संत भी मानता हूं, एक साधु भी मानता हूं। मगर जैन साहब, आपने जो दो बातें कही कि साहब मुसलमान 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 ये करते थे, मुसलमान ये करते थे, मैं आपसे आज बड़े विनम्रता से लेकिन डंके की चोट पे एक बात कह रहा हूं, इस देश के मुसलमानों को जितना बेइज्जत आप लोग कर रहे हैं ना, वो भगवान कृपा कर रहा है इस देश पे। जिस दिन इस देश के मुसलमानों ने ये महसूस कर लिया कि तुम रोज उन्हें बेइज्जत करने के लिए नई नई बातें कर रहे हो, तो इस देश का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। मैं ये बात बड़े गंभीरता से जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। और जैन साहब, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, आप सुनिए 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 जैन साहब, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू नहीं थे? क्या महात्मा गांधी हिंदू नहीं थे? क्या सुभाष चंद्र बोस हिंदू नहीं थे? क्या इंदिरा गांधी हिंदू नहीं थी? क्या राजीव गांधी हिंदू नहीं थे? आप हिंदुत्व का ठेका लेना छोड़ दीजिएगा। सुनिए जैन साहब, हिंदू होने के, अरे अभी आप कह रहे, अभी संयम की बात बोल रहे थे, जब आप मौलाना साहब बोले तो आप कह रहे थे मैं टोक नहीं रहा था। अब सुनो, सच्चाई कड़वी होती है। हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? आप संत महात्माओं को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देंगे? आप तकबूर में इतने चूर हो गए कि किसी को ये बताएंगे कि हिंदुत्व क्या है, संतत्व क्या है, साधु क्या होता है? आपको शर्म आनी चाहिए। पहले आप सुनिए बात को, जब आप बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं टोका, पहले आप सुनिए, जब आप बोल रहे थे हमने बीच में नहीं टोका, आपको इतनी तहजीब होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, परंपराओं को निर्वहन करना सीखिएगा। आपने मुझ पर आरोप लगाया क्या मैं कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूं? कांग्रेस के पक्ष में बोलना क्या भारत के खिलाफ बोलना है? कांग्रेस क्या इस देश को 70 साल से राज नहीं किया? गलतियां कांग्रेस ने की, उनकी सजा कांग्रेस भुगतेगी। गलतियां आप करेंगे, उसकी सजा आप भुगतेंगे। अखिलेश यादव ने अगर किसी एक धर्म के तुष्टिकरण के लिए किसी धर्म का अपमान किया, मैं खुद उसका व्यक्ति हूं। अखिलेश यादव जी ने कल की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई, उसका पाप का फल वो भोग रहे हैं और भोगेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मैं अनिला जी की बात से सहमत हूं कि वो केवल हिंदुओं के ही मुख्यमंत्री नहीं है, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, पूछना किस बात का? थानों के अंदर, पुलिस लाइन के अंदर, कचहरी के अंदर रामलीला भी होनी चाहिए, रासलीला होनी चाहिए, वाल्मीकि जयंती होनी चाहिए। कोई मुसलमान इस बात का विरोध करे तो मैं जिम्मेदार।
ठीक है अनिला सिंह जी, कोई मुसलमान नहीं करेगा, आप करिए ना लागू, कह तो रहे हैं आप करिए, नहीं मेरा सवाल जैन साहब से, आप लागू करिए, थाने में रामलीला होनी चाहिए, रामलीला होनी चाहिए, सरकार में अनिला सिंह जी की पार्टी, कौन रोक रहा है, सरकार में अनिला सिंह जी की पार्टी है, पहले इनसे जवाब लेते हैं। अनिला सिंह जी, इजाजत देंगे कि सभी पर्व मनाइए पुलिस थानों में? बिल्कुल मनाने चाहिए, बिल्कुल मनाने चाहिए, कोई आदेश कब तक जारी हो जाएगा? देखिए आदेश इन सब चीजों का नहीं होता है मैडम, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देखिए, आपको जानकारी नहीं है अक्षय जी, आप जाइए, अगर वहाँ पर किसी मुस्लिम भाई की तैनाती है ना, वो सवैया खिलाता है, जब वीडियोग्राफी का आदेश दे सकते तो इसका आदेश देखिए, वो अगर उसके ऊपर आपको बहस करनी है कि मदरसों में मैडम 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 चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, जंगल मन गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए, अनिला सिंह जी अनिला सिंह जी हम तमाम उन मसलों पर बहस कर रहे हैं, पैसा लेंगे सरकार से, गाना गाने किसी और का, ये नहीं होने वाला है, भूल जाइए जो सरकारें इस तरीके का करने वाली थी, अगर पैसा लेंगे तो इस राष्ट्र की इज्जत करनी पड़ेगी, जवाब नहीं है क्या अनिला सिंह जी? अनिला सिंह जी सवाल सवाल सुनने की भी क्षमता रखे मैडम, राष्ट्र की इज्जत करनी पड़ेगी, क्या कह रही है मैडम? भारतीय जनता पार्टी सिखाएगी, अनिला सिंह जी मुफ्ती साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अनिला सिंह जी मेरा सवाल आपसे है मैडम, सवाल पूछिए, अनिला सिंह जी सबको करना चाहिए पर कम से कम जो सही बात आपने जो सरकारी एक तौर तरीके होते हैं राष्ट्रपति को राष्ट्रीयता को मैडम एक बयान सुना देता हूँ, आप सभी मेहमानों को भी अपने दर्शकों को भी, अनिला सिंह जी राष्ट्रपति चिल्लाने से जो कुछ मौलाना या कुछ ऐसे राजनीतिक नेता हैं फक्र महसूस करते हैं उनको बेचैनी होगी और होती है, आप लोग जंगल मन भी गाना होगा और तिरंगा भी फहराना होगा, मैडम कानून ले आइए, अगर जो नहीं पड़ता है ना कानून ले आइए, जाके उस दिन मुझसे कानून लेकर आइए ना मैडम, जरा एक जाके अपनी माँ से प्यार करते हो उसको सिद्ध करो, उसके बारे अगर आपको लगता है कि कोई सर्टिफिकेट सरकार देगी मैडम देशभक्ति का, जो देशभक्ति का मैडम गोरखपुर के लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई की इज्जत करनी चाहिए, वीडियोग्राफी की जगह अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कर देते तो शायद इतने सवाल नहीं उठते, एक बयान भी सुना देते हैं, कल्बे सादिक साहब ने क्या कुछ कहा मंदिर मसले को लेकर, उसके बाद अपनी डिबेट को भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सवाल राष्ट्रभक्ति को लेकर भी है, जो सर्टिफिकेट एक तबका देने की कोशिश कर रहा है और एक वर्ग ऐसा है जो धर्म की आड़ लेकर वंदे मातरम को बताता है कि वो हराम है इस्लाम में, पहले बयान सुन लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम जो कहना चाह रहे थे हमने कह दिया, हम ये कहना चाह रहे थे मुसलमानों से कि अगर वो केस हारे जाते हैं तो कोई प्रोटेस्ट न करें, जैसे नवाज शरीफ वाले कर रहे हैं कोर्ट के खिलाफ, तो उसकी तौहीन है कोर्ट की, और अगर वो जीते भी जाते हैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए वो अपना प्लाट जो है वो हिंदुओं को दे दें, ये प्लाट दे दें, दिल उनका जीत लें। यहाँ सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े, कल्बे सादिक कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर अगर मुस्लिमों के पक्ष में भी आता है तो हम जमीन देने को तैयार हैं। अनिला सिंह जी, सांप्रदायिक सौहार्द की भी बात एक तरफ से हो रही है और दूसरी तरफ से सर्टिफिकेट भी मांगे जा रहे हैं, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? नहीं, आप मुझसे किस चीज का उत्तर चाहते हैं? आप रामलला के मंदिर के विषय में मुझसे पूछना चाह रहे हैं? सारे ही, या फिर आप जो धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है में तिरंगा फहराना या वीडियोग्राफी करना उसकी और उस खुशी को सब लोगों में बांटना आपके हिसाब से सर्टिफिकेट है तो उसका उत्तर चाह रहे हैं आप? नहीं, रामलला के मंदिर के विषय में मुफ्ती साहब अलग अलग है, मैं उत्तर देने को तैयार। मैडम दोनों धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म के नाम पर आड़ ली जा रही है, क्या ली जा रही है? रामलला का मंदिर बनना एक अलग विषय है और तिरंगा फहराना एक अलग विषय है, किस पर चर्चा करना चाहते हैं? ये दोनों पे करना चाहते हैं तो 10 मिनट दे दीजिएगा, लगातार बोलूंगी। मैडम देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन देगा उसको, क्या कहेंगे? देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन देगा? भगवा की आप इतनी बेइज्जती कर रहे हैं मौलाना साहब, फहरा है उसको क्या कहेंगे? नहीं बताइए, हम कभी हरा नीले पीले के रंग के विषय में बात करते हैं? तिरंगा नहीं, हम कभी किसी रंग के विषय में बात करते हैं? 15 अगस्त को हम कभी हरे रंग की बात करते हैं, नीले रंग की बात करते हैं, सफेद रंग की बात करते हैं? राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा फहराता है वो तिरंगे पे भी, योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि यदुवंशियों ने जन्माष्टमी की परंपरा को खत्म करने का काम किया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मैं उस बात सर जो मेरा सवाल है उस पर मैं उसी का जवाब दूंगा, उसे फिर दोहराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अनिला सिंह जी भी काफी कड़वा कटु बोल रही हैं, इस हर बहस को हर चर्चा को उधर ले जाना चाहते हैं जहां देश तोड़ने की बात हो, मुसलमानों पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, मुसलमानों को देशद्रोही ठहराएंगे, देशभक्ति का ठेका लेंगे, हिंदू धर्म का ठेका लेंगे। अभी जो आदित्यनाथ जी ने कहा है मैं उस बात से कतई सहमत नहीं हूं, और जो अभी इस चर्चा में कही गई है कि सब जगह सब धर्मों के त्यौहार मनाए जाने चाहिए, कायदे में सरकार को ये करना चाहिए कि सरकारी कार्यालयों में कोई धार्मिक हस्तक्षेप न हो। ये देश पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ये धार्मिक राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे धर्म को आस्था को अपने घर तक रखिए, अपने घर में मनाइए त्यौहार मनाने हैं न। अगर आपने कहा अभी प्रश्न उठाया जैन साहब ने कि सड़कों पर मुसलमान बहुत नमाज पढ़ते हैं, ये मत कहो कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये कहो कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सड़कों पर नहीं होगा किसी भी धर्म का। फिर अगर मुसलमान विरोध करते हैं तो हम उसके विरोध में रहेंगे। आप रोक लगाइए कहीं भी सार्वजनिक रूप से सड़कों पर सरकारी कार्यालयों में सारा काम हिंदू ही लगाता है। अब आप कांवड़ यात्रा तो निकलवाएंगे और नमाज पर रोक लगाएंगे तो ये उचित नहीं है। और यही सारा हिंदुओं के खिलाफ बनता है कानून, यही लगातार अब नहीं किया जा रहा है, यही फोकस किया जा रहा है कि नमाज क्यों पढ़ी जाती है सड़कों पर। केवल नमाज पढ़ने में आपको आपत्ति है, ये एक संवैधानिक पद पर बैठे मौलाना साहब अब नहीं देता। अनिला सिंह जी को अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर रहना हिंदुस्तान में तो वंदे मातरम कहना होगा। अनिला जी यही कह रही थी ना, मैंने ये बोला कि रहना होगा हिंदुस्तान में तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम कहना होगा कि नहीं कहना होगा? अपनी माँ से अगर प्रेम करते हो, भारतवर्ष से प्रेम करते हो, कोई भी हो किसी भी जाति का हो। नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि आपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मेरा हाजमा बड़ा मजबूत है, शब्द भी चबा जाऊंगी और डकार भी नहीं लूंगी, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है, मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं सड़क पे अगर नमाज पढ़ने बिल्कुल पढ़िए, कोई ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब खुद ही मौलाना सैफ अब्बास साहब, जो सवाल हम शुरुआत से उठा रहे हैं कि क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने का किसी को अधिकार है, पहला। दूसरा, क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का बयान शोभा देता है? और तीसरा, क्या धर्म के आड़ पर जो देशभक्ति के तराने हैं उनको हराम बताना, क्या ये ठीक है? पहला सवाल का जवाब यह है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट जो है वो कोई नहीं दे सकता है। एक देश का व्यक्ति है, नागरिक है, वो देश में सबसे बेहतर तरीके से अपनी देशभक्ति का सबूत देगा, वो खुद अपना जो है सारे कामों को अंजाम देगा। दूसरी बात यह है कि जो जी जी कल गए दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर इस तरह का कोई भी बयान देना ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है, इसको हर तरफ से कंडम करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि देशभक्ति के ऊपर जिस तरीके से फतवे दिए जाते हैं ये फतवे देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि देशभक्ति का जो है उसमें हमारा इस्लाम धर्म इतना कमजोर नहीं है कि वंदे मातरम कहने से या देशभक्ति का गाना गाने से हमारा जो है इस्लाम चला जाएगा, हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। लिहाजा वो लोग जो समझते हैं कि वीडियोग्राफी करा के हम मुसलमानों को देशभक्ति का सारे, वो भूल में है और ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर उनको चाहिए वीडियोग्राफी करा तो हर तरह के इंस्टीट्यूशन में वीडियोग्राफी कराए, वरना ये भेदभाव का जो है इसका नतायज अच्छे नहीं आएंगे। जैसा अगर कोई वंदे मातरम गा देता है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि वो देशभक्त है? देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि वंदे मातरम इस देश की आजादी से जुड़ा हुआ गीत है। इस देश की आजादी की लड़ाई हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लड़ी। बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह आप किसी मकसद पर पहुंचना चाहते हैं, आप बहस को तूतू मैमे से निकाल करके एक अच्छे मोड़ पर लाए हैं अक्षय जी। तो वंदे मातरम बड़ी शौक से लोग गाते थे, हिंदू भी गाते थे, मुसलमान भी गाते थे, और आज कुछ हालात ऐसे हमारे देश के बने कि देश इस मोड़ पे आ गया कि एक फैनेटिज्म है इस्लाम के नाम पे, दूसरा फैनेटिज्म हो रहा हिंदुत्व के नाम पे। दोनों ही तरह के जो फैनेटिज्म है, कट्टरता किसी भी मजहब के नाम पे हो, वो इस देश को खाएगी।
इस देश का नुकसान होगा। मैं भाटी जी की बात से सहमत हूं कि जो धार्मिक मामले हैं उनको थोड़ा सा साइड रखा जाए, क्योंकि इस देश में बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है वो मैक्सिमम नहीं 100% मुसलमान ही बनता है। अगर वो किसी दिन ये कह दे कि वैष्णो देवी की यात्रा वो करेगा जो अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा, तो इस देश का क्या होगा, इस देश की आस्था का क्या होगा, हमारी आस्था का क्या होगा? नहीं तो है ना, एक सेकंड जी, मैं कह रहा हूं कि इस देश को 1947 में आजादी मिली, इस देश की आजादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी, तो ये देश सबका है जी। अब ऐसी बातों से बचना चाहिए जिनसे क्या ऐसी बू आए कि भाई हिंदुस्तान के अंदर एक कम्युनल गवर्नमेंट आ गई है, ऐसी बू नहीं आनी चाहिए। भगवान की कृपा से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु हुआ है, पहली बार उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एक संत हुआ है, साधु हुआ, योगी हुआ है। हम चाहते हैं कि वो सफल हों, हम ये नहीं चाहते कि वो इस तरह की वाहियात बातें करके और तमाम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए और मामला इतना आगे बढ़ जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। इस देश को टूटने की दिशा में आप मत ले जाइए, इस देश को अगर तोड़ना है तो खूब जंग करिए, खूब करिए। ठीक है मुफ्ती साहब, अभी इस चर्चा के दौरान ही ये बात निकल कर सामने आई, मौलाना सैफ अब्बास ने भी कहा कि कुछ कट्टर जो धर्मपंथी हैं दोनों ही ओर के, वो इस तरह की परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं, क्या ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए, और अगर कसना चाहिए तो जिम्मेदारी किसकी है? देखिए मुसलमानों की तरफ से ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, आपको याद होगा कि 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन में ही ये बात आई थी, और उस जमाने में जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जब ऑब्जेक्शन किया था तो खुद नेहरू ने ये रेजुलेशन पास करवाया था कि इसमें इसी कुछ पंथियों को हटाने की बात कही थी वंदे मातरम की, ये उसी जमाने 1937 की बात मैं कर रहा हूँ। आज भी जो है देखिए भारत के मुसलमान शौक से जो है जश्न मनाते हैं और भारत के जो गान है वो जनगण मन वो बहुत शौक से गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम से एक चूंकि आस्था का ताल्लुक रहा कि ये हमारा जो इस्लाम है जो कहता है उसके खिलाफ है, या तो हमेशा से उस पर मुसलमानों का और उलमा को ऑब्जेक्शन रहा है। फिर दूसरे ये है कि उसकी कोई इस गीत की कोई दो तरह के इस्लाम है क्या? नहीं, दो तरह का इस्लाम कहां से आ गया भाई? इसके अंदर इस गान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर जमीन की पूजा करने की बात कही जाएंगे, कुछ ऐसी चीज है जो हमारे धर्म से टकराती हो, कोई ऐसी बात है? नहीं कोई ऐसी बात है जो हमारे धर्म। हिना खान कौन है? देखिए हिना खान वो खुद जानती है, वो खूब जानती है कि हमें क्या कहना क्या नहीं कहना, हिना खान पर हमको फतवा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मुसलमान है तो इस्लाम को वो खूब जानती है और उसकी मर्जी है, जो चाहे कहे जो चाहे न कहे, हम कौन होते हैं उस पर फतवा लगाने वाले। एक जनरल अगर कोई पूछता है कि भाई वंदे मातरम कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, तो हम भी इस टीवी चैनल के माध्यम से कहेंगे कि वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए मुसलमानों को, और हम भी यहां पर ऐलान करते हैं कि हम कभी भी वंदे मातरम नहीं कह सकते, इसलिए कि हमारे आस्था के खिलाफ है, देशभक्ति की सर्टिफिकेट वंदे मातरम तो आपने वंदे मातरम बोला ही होगा, एक तरफ कहा कि नहीं बोलना चाहिए, गाते रहे और राष्ट्रीय गान हमेशा गाते रहेंगे, राजकुमार भाटी को एतराज नहीं है। देखिए आज ही सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के जो फतवे जारी कर दिए जाते हैं इन लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए? फतवा क्या है? फतवा एक धर्मगुरु की व्याख्या है, कोई प्रश्न धर्मगुरु से पूछा जाता है उसकी व्याख्या फतवा है। उनसे पूछा जाए, मैं पूछूं कि नमाज तीन टाइम भी पढ़ सकते हैं क्या, पांच वक्त के बजाय तीन वक्त भी पढ़ सकते हैं? सर फतवे के बारे में तो हमने और भी कई बातें सुनी, फतवे के नाम पर कि बहिष्कार तक किए जाते हैं, आप कह रहे हैं कि राय जोड़कर? नहीं फतो कहां बहिष्कार किया जाता है, बहिष्कार नहीं किया जाता, जो प्रश्न धर्मगुरु से पूछा जाएगा धर्म संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर वो देंगे। केवल क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, राजकुमार भाटी जी, क्या जो इस तरह का फतवा जारी करते हैं जो कह रहे हैं कि इस्लाम में हराम है इस तरह नहीं बोलना नहीं, चाहिए? मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था धर्म की व्याख्या धर्मगुरु करेंगे, मेरे धर्म की भी और इनके धर्म की भी किसी और तीसरे धर्म की भी, वो धर्मगुरुओं का विषय है, धर्म क्या कहता है क्या नहीं कहता है। अब मैं आरती नहीं गाता, पता नहीं मैं हिंदू हूं कि नहीं हूं, मैं तो कभी आरती नहीं गाता, मैं कभी घंटी नहीं बजाता मूर्तियों के सामने, मैं मूर्तियों के सामने घंटी बजाने को मूर्खता समझता हूं, धर्मगुरु बताएंगे मैं हिंदू हूं या नहीं हूं। तो कोई अगर नहीं गाना चाहता या गाने से, अब ये धर्म इस्लाम के जानकार अगर कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहने से इस्लाम से खारिज हो जाएगा, तो ये तो वो अपने आधार पर कह रहे होंगे, धर्म पुस्तकों के आधार पर, हम इस रगड़े में। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वंदे मातरम न कहने वाले देशभक्त नहीं है, ये सोचना गलत है। जो वंदे मातरम नहीं कहता वो भी देशभक्त हो सकता है, सरकार उन्होंने भी देश की लड़ाई लड़ी है, क्योंकि जो लगातार एक सवाल उठाया जा रहा है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से एक खास तबके, पता ही है जिक्र करने की जरूरत नहीं है, डर का माहौल है, जानबूझकर वो परिस्थितियां पैदा की जा रही है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को इस बयान से बचना चाहिए था? देखिए ऐसा है, आपने कहा डर का माहौल,
डरता वो है अगर कोई गलती करता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे मुसलमान भाई जिनका जिक्र यहाँ हो रहा है वो कोई गलती कर रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं डर का माहौल है, डर का माहौल है, ये आपने नहीं आप ही कह रहे हैं, तो मैंने कहीं और से नहीं सुना है, या जिनको राजनीति करनी होती है वो कहते हैं। और मेरी बात बीच में जाएंगी तो शायद इस बात का, मैं खूब जाती हूँ लोगों के बीच में और मुझे खूब पता है कि कौन लोग इस प्रकार की बातें फैलाते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी मौलाना साहब ने 1937 का जिक्र किया कि भाई किस प्रकार से नेहरू जी ने जो वंदे मातरम जो है पूरा गीत ना करके केवल पहले के दो पैराग्राफ का कि ठीक है इसमें माँ दुर्गा का जिक्र नहीं है और इसको सब गा सकते हैं। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब भी जो मुसलमान भाई ने लड़ी थी आजादी के उनको भी कोई आपत्ति नहीं थी, उसके बाद भी कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति कब शुरू हुई है अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमारी आजादी के करीब 20 साल के बाद कुछ लोग जिनको राजनीति करनी थी उन्होंने ये आपत्ति शुरू करी। और ये केवल फर्स्ट टू स्टैंजास इसलिए कहा गया था कि भाई ठीक है अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं, माँ दुर्गा को अगर उसमें कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, उसके प्रति अपना सजदा दिखाया जा रहा है और मुसलमान भाइयों को आपत्ति है तो हम बाकी का नहीं करेंगे, फर्स्ट टू पैराग्राफ्स, क्योंकि सारे धर्म के लोगों ने जब आजादी की लड़ाई से लड़ रहे थे तो सड़कों पे एक माहौल जो पैदा होता था, एक जो जुनून पैदा होता था वो वंदे मातरम गाकर होता था। तो जो ये राजनीति शुरू हुई है वो गलत तरीके से शुरू हुई है, गलत मंशा से शुरू हुई है और अभी भी राजनीति हो रही है। देखिए अभी आपने कहा कि बहुत, एक चीज और बोल दूं जाते आते 5 सेकंड लगेगा, बहुत सारे जो मुसलमान भाई हमारे ये किसी ने ये नहीं कहा कि हराम है, क्योंकि हराम बड़ा बहुत अजीब सा शब्द है, वो ये कह देंगे कि भाई हम नहीं गा सकते क्योंकि हमारा धर्म जो है इसको अलाउ नहीं करता, इजाजत नहीं देता है। परंतु मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि राजनीति छोड़कर देश को अपनाएं, देश के विषय में सोचें। ठीक है, ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा आचार्य एक और चीज जो आमतौर से जो इस सिलसिले में गलतफहमी फैलाई जाती है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में फर्क ही नहीं समझा जाता, बिल्कुल दोनों को एक तुलना में लिया जाता है जबकि दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। राष्ट्रीय गान बिल्कुल मैंडेटरी है, कंपलसरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। देखिए उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर गीत भी है, राष्ट्रीय गीत हर वो गीत के दौरान जिससे हम गाए जाते थे लोग फांसी पर झूल गए तो होगी। देखिए उसके खिलाफ भी फतवा जारी किया जाना चाहिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग फांसी पर ये गीत गाते गाते अगर झूल गए तो उनके खिलाफ भी फतवा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है? ठीक है सर, ठीक है, चर्चा के समापन का वक्त है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, सभी खूब बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द ऐसे आएगा? देखिए अक्षय जी, शब्दों का मामला नहीं है, बात भाव की है, नियत की बात है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म है, वो नियत की बात करता है कि तुम्हारे शब्द क्या है ये नहीं भगवान देखता, भाव क्या है, भगवान भाव का भूखा है। जैसे वंदे मातरम अगर शब्द से इस्लाम खतरे में आता तो मौलाना साहब ने मेरे सामने भी, आपके सामने भी, पूरी दुनिया के सामने कई दफा ये कहा कि वंदे मातरम नहीं गा, तो वंदे मातरम तो कह दिया। तो बात शब्द की नहीं है, बात नियत की है कि अगर नियत ये है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा तो वंदे मातरम बोलने से भी हमारा ईमान खतरे में नहीं आएगा। मगर यहां एक सवाल, एक बात कहके, एक निवेदन करके, एक गुजारिश करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि वो लोग भी गलत हैं जो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो नहीं कहेगा वो हिंदुस्तानी नहीं, लेकिन वो लोग भी गलत हैं कि किसी भी कीमत पे हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये भी गलत है। दोनों ही फैनेटिज्म है, इसलिए इस देश के लिए दोनों फैनेटिज्म से दोनों तबके पीछे आए और इस तरह की बयानबाजी ना करें। शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, सभी शुरुआत कर रहे हैं। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए जाते हैं ये सिर्फ जुबान तक ना रहे, इसको अमल में लाने के लिए प्रयास होने चाहिए और ये प्रयास एक तरफा नहीं दोनों तरफ से होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।